ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं एक्वेरियस ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके एक्वेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट रेस्ट एंड रिजुबिनेशन हमारे पास। आई थिंक यू आर गोइंग टू टेक रेस्ट, या हो सकता है थोड़ा टाइम लेने वाले हैं, अपने आप को टाइम देने वाले हैं। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक, बस आप कह रहे हैं कि बस इट्स ओके, यू नीड अ ब्रेक, वो वाली एनर्जी। 10 इज ऑल्सो अ नंबर लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हो और जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वाइल। यस, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, यू नो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्लोज ऑफ एनर्जी, ठीक है। आई थिंक लव के मैटर में आप अपने इमोशंस आई थिंक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि दिल में क्या चल रहा है, आप अपने आप तक वो चीज़ रख रहे हैं। एंड आप सोचते हैं कि ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, एक हेल्दी बैलेंस है बस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक हो सकता है आपकी स्पाउस हो, या हो सकता है कि आप लोगों का कोई ट्रैवल का प्रोग्राम हो या ऐसा कुछ हो, और मे बी दे वॉन्ट टू यू नो कनेक्ट विद यू, ट्रैवल समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और ये पर्सन आई थिंक दे लाइक दे गेट लॉट ऑफ अटेंशन, आई डोंट नो, या अटेंशन चाह रहे हैं, व्हाट दिस पर्सन वांट्स आई डोंट नो, लाइक लूप में यू नो, कि ये पर्सन कभी भी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्रेशन और मे बी एक्सप्रेसिंग, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट दैट। और लाइक बेसिकली यू आर अ फैमिली, बट आई थिंक ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकली अबाउट द सिचुएशन। ओके, हॉट एंड कोल्ड, यस, आप लोगों के बीच में चीज़ें रहती हैं हॉट एंड कोल्ड, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही हों या स्पाउस हों, ठीक है ना। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई थिंक इट्स टाइम कीप यू नो लाइक आंसर्ड प्रेयर्स। और मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन है, रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं हमें। सो दोनों तरफ आई थिंक आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी इशू हो जाए या कुछ ऐसा है, ठीक है, और कोई रिलेशनशिप आ सकता है, और या जो रिलेशनशिप आपके अराउंड है उसके अंदर इतना ज़्यादा यू नो बॉन्ड नहीं है आप लोगों के बीच में, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। सो इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अपने आप को बिजी रख रहे हैं जस्ट आप, वो चीज़ है, और एफर्ट कौन करेगा दिस एंड दैट। और जो लोग सिंगल हैं टोटली, देन वी आर गेटिंग कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है ऐसे किसी रिलेशनशिप का, लाइक फॉर एग्जांपल जो पास्ट में रहा है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप उसको कम्प्लीटली जाने दें। और दूसरा ये कि अगर कोई रिलेशनशिप है जहाँ आपको लगता है कि यू नो लाइक यस दिस इज़ द वन फॉर ऑल द सिंगल्स, तो आई थिंक बिकॉज हमारे पास वो सोलमेट एनर्जी है, बट फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, आप जो कर रहे हैं करते जाइए, आई थिंक भगवान आपकी जल्दी ही सुन सकते हैं, कोई अच्छा सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड फॉर ऑल अदर पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ है, कुछ भी है, देन आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अट्रैक्शन दिखाई दे रही है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी से अट्रैक्शन हो सकती है, कोई बाहरी पर्सन है, अब वो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, आप उसमें हो सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं।
करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा एक्वेरियस के लिए? ओके, सो हमारे पास किंग ऑफ सोर्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है दैट यू आर डूइंग टू बी डूइंग गुड और डूइंग ब्रिलियंट जिसे हम कहें. वाई सो? बिकॉज आप ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल के आए हैं, चेंज, यू नो समथिंग इज चेंजिंग और एक्सपेंशन की तरफ. लाइक आप अकेले ही हैंडल करने के लिए सब कुछ रेडी है, लाइक वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं ना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एक्सपैंड, आपका जो काम है वो एक्सपैंड हो रहा है. इट्स अबाउट दैट लाइक यू आर फाइटिंग, यू नो, एंड यू आर सेविंग मनी. ये चीज़ें हो सकती है और यू कैन सेव मनी. ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं. येस, इस हफ्ते लाइक यू कैन मेक अ गुड मनी, ये चीज़ दिखाई दे रही है और भगवान आपकी सुन सकते हैं. सो वो वाली एनर्जी हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है. शायद आपका लाइक पे इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, या सैलरी मिल सकती है, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ है, और मे बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? आई थिंक इट्स अबाउट गोइंग विद द फ्लो, ठीक है. और एक्वेरियस, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर कीजिए. आई थिंक यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. और शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी यू नो लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइक लेजरली लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. इट्स अबाउट दैट, और अंदर ही अंदर लेकिन आप सफ़र कर रहे हैं और इट्स अबाउट दैट. या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो इच्छाएँ बहुत हैं, यू नो लाइक बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन एक एक फियर है, एक डर है. डर किस बात का? जब आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपके इष्ट हैं, आपको वो बिल्कुल सही पाथ पे गाइड कर रहे हैं, देन वाई आर यू फियरफुल, ठीक है. और हाँ, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू यू नो टेक एक्शन, यू हैव टू यू नो बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है ना. ये नहीं कि बस ठीक है चल रहा है चलने दो, सो जाओ आंखें बंद करके, नहीं, फिर कुछ नहीं होगा. इट्स अबाउट दैट यू हैव टू मेक एफर्ट्स. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.